हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और नए तरह की डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। वूल के हिसाब से मैंने कैरिस का नंबर 8 पर सेट किया हुआ है। ये नॉर्मल वूल पे चलता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 नीडल का गैप करना है और इधर से फंदा निकाल कर इधर डालना है। इसी तरह से 3-3 नीडल का गैप करते हुए हमें फंदा इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है। अब ये जो पीछे निडल हैं वो पीछे ही रहेंगी और ये वाले निडल आगे की साइड, जिससे फंदा निकाला है वो निडल पीछे। फिर हम 4 सलाइयाँ लगाएंगे, 1-2-3-4 सलाइयाँ लगाने के बाद फिर हमें क्या करना है, ये जो हमारे 3 फंदे यहाँ पे हमने ये छोड़े हुए हैं, ये 3 निडल जो हैं, इससे फंदा निकालना है, इधर डालना है और इधर का फंदा इधर डालना है। फिर हमें यही करना है, इधर वाला फंदा जो है वो हम इधर डालेंगे और इधर का फंदा, बीच वाला फंदा जो है जैसा है हमारा वैसे ही रहेगा, बस साइड वाले फंदे जो हैं वो हमें ट्रांसफ़र करने हैं पीछे वाली निडल में। इस तरह से बीच वाला ऐसे ही रहेगा, ये इधर, ये बीच वाला फंदा ऐसे ही रहेगा, साइड वाला फंदा ट्रांसफर करना है। सिर्फ साइड साइड वाले फंदे ट्रांसफर करने हैं, बीच वाला फंदा ऐसे ही रहेंगे। अब ये देखिए, ऑलरेडी अब हमारा फिर से यहाँ पे 3 निडल का गैप आ गया है, एक निडल पीछे, एक निडल आगे, एक निडल पीछे, ऐसे हमारा पहले था। फिर हम 4 सलाइयाँ लगाएंगे। चार सलाइयाँ लगा लेंगे, फिर हमें वही स्टेप जो है नीचे हमने रिपीट किया वैसे स्टेप रिपीट करना है। ये साइड वाले फंदे हमें करने हैं, ये वाला फंदा इधर और ये वाला फंदा इधर। इसी तरह से हम जो हैं करते चले जाएंगे साइड साइड वाले फंदों को, और बीच वाला फंदा ऐसे ही रहेगा। और इसी तरह से फिर ये देखिए, फिर 3 का आ जाएगा अब, जो आप रिपीट करते जाएंगे ऐसे ही जो हैं साइड साइड वाले फंदे जो हैं वो आप डालते चले जाएंगे। फिर 4 सलाइयाँ लगाएंगे। मैं आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ किस तरह से ये आपकी डिजाइन जो है बनकर आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। अभी कुछ स्टेप बना लिए हैं मैंने, अब देखिए किस तरह से ये आपकी डिज़ाइन बनकर आएगी।